केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। साथ ही चल रहे दूसरे गाड़ी चालक को भी इशारा किया कि गाड़ी किसानों पर चढ़ा दे, जिसके कारण किसान प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश में आकर देश भर के जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देने का निर्णय किया। इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टी ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है, भाजपा और गृह राज्य मंत्री के पुत्र पर आरोप लगाया है। इस पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान आया है कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए कुछ कार्यकर्ता जा रहे थे। किसानों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिससे गाड़ी पलट गई, जिससे दो किसानों की मौत हो गई। आक्रोश में आकर किसानों ने पीट पीट कर भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी। गृह मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि किसानों ने कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। इस अमानवीय घटना के बाद विपक्षी दलों ने लखीमपुर जाने की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी के अनुसार सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाएंगे। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां आज उपस्थित होंगी।